आफ्टर दैट आई गॉट कॉन्फिडेंस टू प्रोड्यूस पोस्टर बॉयज 1. सो मैंने सोचा कि चलो 30 सेकेंड का वगैरह कुछ होगा, टीजर कितना बड़ा हो सकता है. जब दिसंबर में रिलीज करने का प्लान है और एंड में एक लाइन आती है कि अब रूल. हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी. दोस्तों हमारे साथ में है श्रेयस तलपड़े सर, स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी. इनकी जर्नी मैं देखते हुए आ रहा हूँ इकबाल से डेब्यू हुआ था. जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है, आज ये पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं सर, आप क्या कहना है पोस्टर बॉयज टू आले रे पोस्टर बॉयज टू? आई एम वेरी वेरी हैप्पी, यू नो, बिकॉज इट्स अ सीक्वल ऑफ माई अर्लियर प्रोडक्शन दैट आई डिड पोस्टर बॉयज, एंड ऑफ कोर्स इट्स द सेम कास्ट, न्यू स्टोरी दैट इज हैपनिंग इन लंडन, एंड अगेन वेरी कंटेम्पररी स्टोरी, जो आज की कहानी है, आज के स्पेशली यंगस्टर्स रिलेट करेंगे. ऐसी एक कहानी है जो इनके साथ होती है और उसमें वो फंस जाते हैं, तो उसमें से कैसे बाहर निकलते हैं इज व्हाट द जर्नी इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट. इसके पहले वाली जो पोस्टर बॉयज आपने प्रोड्यूस की थी, वहाँ पे सुभाष घई जी ने आपको बोला था कि अभी तू प्रोड्यूसर बन जा. एक्चुअली सुभाष जी ने जो मुझे बोला था प्रोड्यूसर बन जा, वो उसके पहले की एक फिल्म थी कॉल्ड सनई चौगड़े. दैट इज़ वेयर एक्चुअली सुभाष जी ने हमें प्रोडक्शन में क्या कहते हैं, हाथ पकड़ के एक्चुअली मेंटरिंग उन्होंने किया. ही वॉज द वन हु गॉट अस इन, ही वॉज द वन हु फंडेड दैट फिल्म, द फर्स्ट फिल्म सनई चौगड़े. आफ्टर दैट आई गॉट कॉन्फिडेंस टू प्रोड्यूस पोस्टर बॉयज 1 ऑन माई ओन, एंड नाउ यस वी आर कमिंग अप विद सीक्वल टू दैट वन. श्रेयस जी, आपको हिंदी दर्शकों ने भी बहुत प्यार दिया है और मराठी दर्शकों ने भी बहुत, मतलब उमड़ उमड़ के प्यार दिया है, थिएटर हाउसफुल किया आपके फिल्मों के लिए जी, उनके लिए क्या है? नहीं, उन्हीं के वजह से तो यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, मतलब इट इज़ एज सिंपल एज दैट. नहीं तो एक नॉर्मल कोई फिल्म कनेक्ट जिसका नहीं था, मिडिल क्लास घर का एक महाराष्ट्र लड़का, यहाँ तक पहुँचना वॉज इम्पॉसिबल. अगर लोग मुझे राइट ऑफ कर देते थे तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता. तो उन्हीं के प्यार के वजह से और उन्हीं के सपोर्ट के वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ आई एम ट्राइंग टू रीपे बैक by being honest to my profession. जो मैं you know sincerely अपने काम को करता हूँ और लोगों को entertain करने की कोशिश करता हूँ. जब वो entertain होते हैं तो वो खुश होते हैं, वो हाउसफुल करते हैं, जब नहीं होते हैं तो पिक्चर फ्लॉप हो जाती है, बट द लव रिमेन्स इंटैक्ट, यू नो, बिकॉज समवेयर आई थिंक देर इज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ फेथ एंड होप एंड एन एक्सपेक्टेशन. सो वो एक्सपेक्टेशन जब तक आर्टिस्ट से है तब तक आर्टिस्ट जिंदा है, जिस दिन वो चली जाएगी तो आर्टिस्ट को थैंक यू हो जाना चाहिए. नहीं, पब्लिक को जब भी आपकी फिल्म आती है तो एक एक्सपेक्टेशन हर बार होती है कि श्रेयस इस बार कुछ अलग करे, कहीं तरी वेगड़ घेन ये ना, तो इसमें क्या अलग दिखने में, क्योंकि डायरेक्टर अलग दिख रहा है मुझे, पहले वाले में डायरेक्टर अलग थे, इसमें डायरेक्टर अलग है. बट हमारे तीन मेन पोस्टर बॉयज, हमारी पूजा, हमारी नेहा, वो सारे सेम है, एंड अलग ये होगा कि इस बार ये कहानी इनके साथ लंदन में हो रही है और जो बोर्ड्स आप देख रहे हैं वो कुछ और कहते हैं, यू नो. सो ये ट्विस्ट एग्जैक्टली क्या है, दैट इज़ व्हाट द स्टोरी इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट. लंदन लेके जा रहे हैं या थाईलैंड लेके जा रहे हैं, पता नहीं. हाँ, तो एग्जैक्टली, तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू नो वी वॉन्टेड टू कम्युनिकेट थ्रू द पोस्टर, के होने क्या वाला है भाई, कि दिख तो लंदन में रहे हैं लेकिन हाथ में बोर्ड्स कुछ अलग है. तो यस, लोगों की क्यूरियोसिटी उससे बड़े यही एजेंडा है. पोस्टर के आखिर में लिखा है कमिंग इन विंटर, मतलब ठंडी में गर्मी का एहसास मिलने वाला है. बिल्कुल बिल्कुल, दिसंबर में रिलीज करने का प्लान है. आई जस्ट होप वी स्टिक टू आवर प्लान. और जब मुझे पता चला कि श्रेयस तलपड़े से मिलने आ रहे, तो मैं ये शर्ट पहन के आया क्योंकि इस पर फ्लावर है. और श्रेयस जी ने जो डब किया था पुष्पा के लिए, अच्छा, फ्लावर नहीं फायर है करके, तो उसके लिए लोगों ने बहुत सारा यू नो हमें कमेंट्स भेजे कि अभी जो रिसेंटली जो अल्लू अर्जुन का बर्थडे अनाउंसमेंट आया, तो आप एक दिन जाके आए वापस. नहीं, वो यू नो इट वॉज अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड द एंटायर टीम टू अल्लू जी, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी यू नो कि दोबारा पुष्पा जैसी फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिला, बिकॉज लाइक यू सेड कि लोगों ने बहुत प्यार दिया, मतलब हिसाब के बाहर. मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस फिल्म को मैंने डब किया है उसके लिए मुझे इतना प्यार मिलेगा, इतनी सराहना मिलेगी. सो ऑफकोर्स ये जो हम अभी बोल रहे थे कि मैं यहाँ अब तक क्यों पहुँचाऊँ, तो वही प्यार के वजह से पहुँचाऊँ. तो मैं उस दिन
पहले इनफैक्ट हमारी मेरी लाइन होने नहीं वाली थी, वो सिर्फ विजुअल्स होने वाले थे, बट देन दे डिसाइडेड टू हैव दैट लाइन एंड ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर्स केम, दे मेट मी एंड दे सेड कि ऐसा ऐसा हम उनको एक बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, टेक टीजर. सो मैंने सोचा कि चलो 30 सेकंड का वगैरह कुछ होगा, टीजर कितना बड़ा हो सकता है. जब पता चला 3-3.5 मिनट का टीजर इन्होंने खास इनके लिए शूट किया है, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, यू नो. एंड मैंने जाके देखा, आई लव्ड इट. और एंड में एक लाइन आती है कि अब रूल पुष्पा का. सो आई ओनली हैड टू डब दैट, बट मैं थोड़ी देर पहले बैठा, मैंने 2-4 बार वो देखा और थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया था मैं भी, यू नो, कि एक फिल्म जो मैंने सोचा चलो डब करके देखते हैं कैसे, और उसका कुछ अलग ही स्वरूप आज हो गया है. Correct. लोगों की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस वगैरह. तो आई रिमेंबर कि वी डिड अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं वेरिएशंस, कि ये लाइन ऐसी भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, कुछ और भी करके देखते हैं. तो ऐसे एक 20-25 हमने वेरिएशंस ट्राई किए, क्योंकि आई सेड नहीं भाई, वो जो भी जाए वो इस बार एकदम सही जाना चाहिए, बिकॉज जब लोग देखेंगे तो उनको पसंद आना चाहिए. सो यस, थोड़े एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए, थोड़ा नर्वस था मैं. सो आई टुक सम टाइम, एक ही लाइन थी लेकिन मुझे लगता है कि एक आधा पौना घंटा आई स्पेंड देयर आराम से, एंड देन आई डब दैट लाइन एंड आई केम आउट. एक लाइन के लिए वहाँ जाके वापस आना, दिस इज द डिटर्मिनेशन जो दिखाता है कि नहीं, बट आई थिंक इट मैटर्स. या मतलब क्योंकि, एंड वो ऐसा नहीं है कि बिकॉज पुष्पा है तो, मतलब एवरी फिल्म इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कौन सी फिल्म दोबारा पुष्पा बन जाए या इकबाल बन जाए या पोस्टर बॉयज बन जाए, बोल नहीं सकते. ओके, तो आगे भी हमको आपका ही डब सुनने में मिलेगा पुष्पा में जी, होपफुली. यस, अभी तो उनकी शूटिंग चालू है, तो फिल्म ख़त्म होते होते आई थिंक अगले साल, शायद अगले साल रिलीज होगी. वापस आएंगे हम उस फिल्म पे बात करने के लिए. इस फिल्म का मैं अभी सुन रहा था कि आपने कहा कि जिस तरह आज पोस्टर लॉन्च किया है आपने, उसी तरह आपका इकबाल का भी आप गए थे. मतलब पहला मेरा पोस्टर मैंने वैसा देखा था, तो जब हमारी अमृता मैम है, उन्होंने जब ऐसी आइडिया बताई कि ऐसा रोल डाउन करेंगे, तो मुझे वो मेरा, यू नो, क्या कहते हैं, वो मोमेंट याद आ गया जहाँ मैं पहली बार एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन लड़का अपना, उसने अपने होर्डिंग पे अपना पोस्टर देखा. फ्रॉम देयर टू दिस डे व्हेन एज अ प्रोड्यूसर यू नो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रोल डाउन द पोस्टर ऑफ माय ओन फिल्म, सो इट वाज अ ह्यूज डील एंड आई एम सो ग्लैड दैट शी केम अप विद दिस ब्रिलियंट आइडिया टू लॉन्च द पोस्टर. क्या श्रेयस तलपड़े हमें डायरेक्ट करते हुए देखेंगे आगे? ज़रूर कोशिश तो करेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं, इतना ही आता है. हिंदी में डायरेक्ट की थी, बिल्कुल. सो इतना ही आता है, यू नो. सो ये फिल्म मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे अजय मेहता ने डायरेक्ट किया है. ये पता नहीं, अगर विद द सेम कास्ट, बिल्कुल, अगर चल जाएगी तो हिंदी में भी बन जाएगी. ओके, थैंक यू बोलना चाहूंगा श्रेयस जी आपके प्रेशियस टाइम के लिए, एंड पोस्टर बॉयज 2 के लिए फ्रॉम बॉलीवुड प्रेमी की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड जैसी रिलीज होगी रिव्यू जरूर आप तक पहुँचेंगे. जरूर, थैंक यू सो मच. थैंक यू.